दिखाओ डिस्प्ले सीधा करके। आगे लाइक बेसिक चीज है बेसिक। चलो थैंक यू वेरी मच रख दो। मतलब आगे बढ़ते हैं। संडे के दिन भी पढ़ा हमने। आज की क्लास कैसी लगी आपको? देव सर का नॉलेज कैसा है? है ना? आज कितने लोगों ने 4G सीपी लगाया? सीपी लगा के डन करो, एक बार हाथ उठा के डन करो। कैसा लग रहा है आपको फील? इसके पहले आप लगा पा रहे थे क्या? सबसे पहले आपने रिबोलिंग किया, रिबोलिंग के बाद आपने पावर लगाया, पावर के बाद आज आपने 4G सीपी लगाया। इसके इसके ऊपर कुछ है क्या बताओ मेरे को? आईसी लेवल हमारा पूरा डन हुआ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के बारे में आप? नंबर वन स्टेट है। कोई अगर आना चाहे तो हाल ग्रुप में बोलो। मोस्ट वेलकम है सर। काफी आ सकता है, काफी अच्छा सिखाया जाता है। थोड़ा सा आप बोलिए। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप बोलिए। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट। आपने जो पहले दिन से आए थे और आज आज का दिन है, मतलब आज पांचवा दिन है, पांचवे दिन में पहला दिन और पांचवे दिन में क्या फर्क है बताइए? बहुत फर्क है सर। आप बताइए। मैं तो पहले मोबाइल ठीक तरह से खोल भी नहीं सकता था, अभी अच्छा। मेरे लाइफ मोबाइल से सीपीयू निकाल के फिर बिठा दिया, फिर ऑन कर दिया। सौरभ आप बोलिए। यहाँ ट्रेनिंग का तरीका है बहुत अच्छा है सर। मतलब कोई टिपिकल तरीका तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई चाइनीज लैंग्वेज में तो नहीं सिखाते ना यहाँ पे? ठीक है, आप बोलिए। सर मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर लेता था लेकिन मैंने आज तक आईसी पे हीट भी नहीं मारी थी। आज हमारा पांचवा दिन है, मैंने सीपीयू पावर आईसी और ईएमएमसी निकाल के 100% सेफ लगा। सजाद आप बताइए। सर बहुत बढ़िया सिखाने का तरीका है सर। आप बताइए। सर यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छी तरीके से सिखाते हैं। आप बोलिए। सर यहाँ सर कैल पकड़ते भी नहीं आती थी पर अब अच्छे से आने लगा, बॉलिंग कर लेता हूँ। सजाद आप बोलिए। मैं तो आईसी का तो काम कर भी नहीं पाता था सर। यहाँ आने के बाद सर आईसी को किस तरह से बनाना वो बनाना 4-5 दिन में सीख गया। नीरज बोलिए। यहाँ अच्छे से कंपोनेंट का नॉलेज मिला, प्रॉपर वे में कैसे पॉइंट बाइंडिंग वगैरह सर कंपोनेंट्स का नॉलेज। 5 दिन की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलेगा एक मिनट। ये क्या बनाया आपने बताइए? डिस्प्ले सर्किट। देखो ये आपने छापा तो नहीं है ना, समझ के बनाया ना? यहाँ पर एक एक लाइन समझिए कि नहीं समझिए, कहाँ पर वोल्टेज आते हैं +5 -5 या कहाँ पर 1.8 VI या दुनिया भर के जो सप्लाई है। ठीक भाई, थैंक यू। तो इस फोन में हमारे को क्या वोल्ट आ रहा है बताओ? लाइट नहीं आ रही। ये तुम्हारा फोन है? जी सर। हाँ, तो हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है, तो बताओ सबसे पहले क्या चेक करें? क्या सप्लाई चेक करें? सबसे पहले क्या चेक करें? एम्पियर चेक कर लेते हैं। लगाओ एम्पियर। सबसे पहले एम्पियर चेक करेंगे। यहाँ पर आओ यार, पकड़ो उसको, दिखाओ, आ जाओ तुम इस साइड। हो ये देखो, ये 0.60 एम्पियर पर चला गया है। तो लाइट ही यार उसको। तो यहाँ पर ये देखिए, ये A1 है, ये बंद है, ये हमारे स्टूडियो का फोन है, ये बनाएंगे अभी आपके सामने। यहाँ दिखाइए, तो यहाँ पर लगाओ उसको और दिखाओ कि कितना। उसको उठाओ, उसको उठाओ, आगे करो। अब देखो कितना एम्पियर ले रहा है। दीपक आप थोड़ा साइड में आके वीडियो बनाओ। यहाँ पर बताओ कितना एम्पियर ले रहा है। लगाओ उसको, सी टाइप है तो देखिएगा कितना है। 1 एम्पियर के ऊपर जाना चाहिए तभी जाएगा जब बैटरी चार्ज होगी, नहीं तो 20-30 पे घूमता रहेगा। अंदर लगा, यहाँ पर ये हटा, ये लगाओ। ठीक है, आप निकालो, लगाइए, लगाओ। ठीक है, यहाँ पर ये चार्जिंग का कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। लिया। देखो चला गया 1.3 एम्पियर। इसका मतलब ये फोन क्या है बताइए? चालू है। चालू है, इसका मतलब ये फोन चालू है। पर यहाँ पर लाइट आ रही है क्या? लाइट नहीं आ रही, तो लाइट लाना है। तो अब हम यहीं पर लगाकर एक बार 4 वोल्टेज चेक करेंगे। यहीं पर लो चेक करो, सारी पिनों पे घुमा दो बहुत आसान से और धीरे धीरे घुमाना, पिन टूट जाएंगे। वैसे ही घुमाइए एक एक, इसको ये ऐसा आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्टर पे घुमाइए, कनेक्टर पे निकाल तो नहीं लगे रहने दो, उससे बैटरी चार्ज नहीं है वहां पे, 4 वोल्ट उसके चक्कर में। ये टेप का है,
टेप दो जरा, टेप दो, रुक जा टेप 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 कर दो, ये खाओ, ये लो टेप कर दो उसको, थोड़ा सा पीछे टेप लगा दो। टेप लगा दो देखो चार वोल्टेज लगाते जाओ, आप भी देखते जाओ। 1.8 तो किसका है? VIO 1.8 और मिला 1.8, ये सब सप्लाई है, ये सब CPU से आ रही है, इंसेंट इंटरप्टेड उनके सबका 1.8 वोल्ट है। और ये तभी देता है जब VIO मिले, VIO नहीं मिलेगा तो CPU भी बंद नहीं करेगा। VIO मेन क्या वोल्टेज
आगे भी लाइट।